हाँ नहीं, अपना नाम बताइए आप। उमेश राम सनाब छेरे राम। छेरे राम, गाँव का नाम? पीसीपुर। ब्लॉक? बड़ाराम। जिला? वाराणसी। कोरोना काल में आपने क्या किया गांव में? कोरोना काल में हमने दवा का वितरण कराया, दवा का छिड़काव भी खुद से गांव पे किया गया, उसके साथ थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल का चेक करना, यहीं से काम कराया, मास्क का भी वितरण हुआ। मतलब आप द्वारा काफ़ी ख्याल रखा गया गांव का। जी जी। अच्छा प्रधान जी, विकास के मुद्दे पर आप आइए कि आप गांव का कैसा विकास करना चाहते हैं, क्या क्या कमियां यहां पर खटक रही है? गांव में हमारे सबसे बड़ी कमी तो नाले की है, घर का पानी निकलना मुश्किल है, जल जमाव जगह जगह होता है, तो नालियों का निर्माण कराना परम आवश्यक है, उसके साथ साथ कच्ची सड़कें जो टूटी फूटी हैं उनका मरम्मत कराना, खड़ंजा लगवाना, कुछ हैंडपम्प ऐसे हैं जो रीबोर मांग रहे हैं, बंद पड़े हैं, उनको चालू कराना, यही सब काम मूल रूप से है पहले किया जाए। अच्छा, नाली, खड़ंजा, सड़कें, ये सब मुख्य रूप से है। ये बताइए कि आपके गांव में आंगनवाड़ी की बिल्डिंग है? आंगनवाड़ी की बिल्डिंग अलग से नहीं है, प्राथमिक विद्यालय में उसका केंद्र बना हुआ चलता है। आनंद घर? आनंद घर नहीं है, सामुदायिक भवन बारात घर बोलते हैं उसको। सामुदायिक बारात घर नहीं है, सामुदायिक भवन भी नहीं है। और खेल का मैदान? जी नहीं। तो क्या इसके लिए इस गांव की चकबंदी हो गई है? चकबंदी? चकबंदी तो बहुत पहले। तो ज़मीनें जीएस नवीन प्रति ये सब मौजूद है? हाँ मौजूद है, धरातल पर ज़मीन है। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए कि जीतने के बाद आप क्या शुभकामना गांव वालों को देना चाहते हैं? जीतने के बाद शुभकामना यही देना चाहते हैं कि भाई सभी लोग एक गांव के निवासी हैं, मिलजुल के रहें, जो आपस में कुछ छोटे छोटे बातों को लेकर, ज़मीन को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर जो बात बात में विवाद होता है और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तरह तरह का परेशानियां बढ़ती हैं, लोगों से अपेक्षा है कि ये सब न हो, सब लोग मिलजुल के रहें, शांतिपूर्वक, कोई हो तो नियम, कोई है दिक्कत है तो उसको नियम से सही रूप से उसको हल किया जाए। इतना बजट खर्च किए तो यही तो बात है कि मेरा बजट खर्च ही नहीं हुआ, 5 से 7 हज़ार रुपये में प्रधान जीता। प्रधानी जीत गए आप, चुनाव के दौरान सबसे जटिल समस्या क्या आपके सामने है? सबसे जटिल समस्या यही है कि वही जो बताया नाली का तो सबसे मोस्ट था। कैसे दूर करेंगे इस बात? कैसे दूर करेंगे जब भाई उसके लिए प्रस्ताव बनाएंगे लोगों का, जो है कि सहयोग लेंगे और उसके बाद जब उस पर आएगा बजट तो उस हिसाब से काम। शिक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर कैसे हम काम करेंगे, क्योंकि गाँव शिक्षा के मामले बहुत ज़्यादा पीछे है। गाँव शिक्षा के मामले बहुत पीछे है, सही बात है, लेकिन उस पर सरकार भी ध्यान दे रही है और हम लोग भी थोड़ा सा प्रोत्साहन करेंगे, भाई लोग प्राइवेट में जो ज़्यादा जाके पैसा खर्च करके अपना कर रहे हैं, अगर अच्छा लेवल ही हम लोग कर देंगे प्राइमरी बेसिक स्तर पे, तो बच्चे अपना लोग यहाँ भेजेंगे तो उनकी पढ़ाई यहाँ होगी, इसी स्तर से प्राइमरी स्तर से ही सुधार हो सकता है। खाता खुल गया, डोंगल मिल गया? डोंगल अभी नहीं मिला है, एक दो दिन में मिल जाएगा। और प्रशासनिक लेवल ब्लॉक स्तर से किसी प्रकार की ट्रेनिंग भी है? वही वृक्षारोपण का प्रशिक्षण मिला था, प्रधानमंत्री की मीटिंग थी तो वही हुआ है, और तो नहीं वृक्षारोपण हो चुका है? हुआ नहीं है, होने वाला।